आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। नगर निगम गोरखपुर को और खासतौर पर महापौर और उनके साथ सभी पार्षदों को मैं, नगर निगम की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ और इधर गोरखपुर नगर निगम की स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ। इन सब की मैं आपको बधाई देता हूं। आज एक तरफ आपका अभिनंदन हो रहा है तो नगर निगम की रैंकिंग भी स्वच्छता की अच्छी हो रही है, तो महानगर वासियों को अच्छे स्वच्छ और सुंदर वातावरण में रहने का भी अवसर मिला है और विकास की 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। वास्तव में जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वह किन्हीं कारणों से उपेक्षित हो जाता था। कितना भी हम अच्छा कर ले, घर कितना भी अच्छा हो, अगर साफ सफाई ना हो, रंग रोगन ना हो, तो उस अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। हम शहर को कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, अच्छी सड़कें दे दे, चौड़ी सड़कें दे दे, लेकिन अगर सफाई ना हो तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए सारी सुंदरता की आत्मा किसी में निहित करती है तो इन स्वच्छता कर्मियों पे निहित करती है, इसलिए इनका सम्मान और इनकी सुरक्षा तो दोनों आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इन्हें कई कवर सुरक्षा के प्रदान किए जा रहे हैं। किसी स्वच्छता कर्मी को अगर किसी दुर्घटना का दुर्भाग्य से शिकार होता है तो 2 लाख रुपए की बीमा, सुरक्षा बीमा की कवर से मिलेगा। मैं नगर निगम गोरखपुर से कहूंगा और प्रदेश भर में हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने परिवार का लालन पालन समय पर और सम्मानजनक ढंग से कर सके। और साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए उनके लिए आवासीय सुविधा भी हम दें। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिलना चाहिए, कॉलोनी उनकी अच्छी बननी चाहिए, उनके लिए कुछ अन्य कार्य भी दिए जाने चाहिए। ये मशीन जितनी आ रही है इन मशीन में भी उनको पारंगत करना चाहिए और साथ साथ उनको स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिलना चाहिए, उन्हें राशन कार्ड की सुविधा भी मिलनी चाहिए, उज्ज्वला योजना के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। हर प्रकार की सुविधा से उन्हें संपन्न करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए और नगर निगम ने पहल की है। मैं विश्वास करता हूं कि ये अवश्य और भी अच्छा करेगा। हमने कमेटी गठित की है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट को हम लागू करके प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य सफाई कर्मियों को अच्छा मानदेय उपलब्ध करवाने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। यह सचमुच सबसे बड़ा हरदार है। मैंने जो पहले भी कहा, आप भी मुझे बताइए, अभी तक रवि किशन की फिल्म कितने लोग देखे, फ्री में देखे हैं या पैसा लेके? फ्री में? अच्छा, नहीं नहीं चलिए, उनका रवि किशन की फिल्म देखे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग ना करे, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा लोग
अच्छा कपड़ा पहन करके करते हैं ना, तो इसलिए लोगों को हीरो लगता है ना। और इसीलिए देखिए वो अपने उद्बोधन से आपका मनोरंजन भी कर लेते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। देखो पिछले 6 महीने से गोरखपुर में लगातार जमे हुए हैं, गांव गांव जा रहे हैं, वॉल राइटिंग भी कर रहे हैं, विकास की योजनाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं, विधायकों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और मनोरंजन भी कर लेते हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। मैंने उनको एक कहा फिल्मों में के लिए काम करना, विधायकों को मत फिल्मों में लेके जाना। लेकिन एक अच्छा प्रयास हो रहा है, तो इसलिए शहर की सकल सूरत बदलने के लिए आवश्यक है सफाई कर्मी भी उसी प्रतिबद्धता के साथ काम करता है, तब शहर अच्छा दिखता है। हमारा शहर गोरखपुर अब साफ और सुंदर दिख रहा है, इसलिए रैंकिंग में सुधार हो रहा है और इसीलिए नगर निगम ने भी सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान दोनों कार्यक्रम आयोजित किया है। नगर निगम का पहल बहुत अच्छी पहल है। यहां पे 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो हमारे पार्षदों ने महापौर के साथ मिलकर के नगर निगम के अंदर बनाई, इसके लिए मैं सभी पार्षदों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल की और विकास का कार्य नगर निगम ने महापौर जी के माध्यम से यहां पर किया है। और आज नगर निगम में अब दिखता है कि गोरखपुर एक अच्छा सुंदर शहर है, अच्छा लगता है ना अब शहर, सबको लगता है ना। आप मुझे बताओ अगर हमारा शहर अच्छा लगता है तो सबसे ज्यादा श्रेय तो सफाई कर्मियों को मिलना चाहिए, फिर पार्षद को और फिर महापौर को, जनप्रतिनिधियों को और फिर गोरखपुर की जनता को। हमें जनता को भी जागरूक करना होगा। मैं सभी पार्षदों से महापौर जी से कहूंगा हर मोहल्ले में एक स्वच्छता समिति जरूर बन जाए, पार्षद का महीने में एक बार स्वच्छता समिति के साथ बैठना जरूर हो जाए और इस बात को लेके कि नालियों में कूड़ा न डाले, सड़क पे कूड़ा न फेंके, सफाई की उचित व्यवस्था रखने में अपना योगदान दे, किसी सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार न हो। अगर हम इन सभी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा और जो भी आएगा अयुभूत होगा, अच्छा लगेगा उसको गोरखपुर आने में। और आज इसीलिए जब मुझे बताया गया कि गोरखपुर में सफाई सुरक्षा जो मित्र हैं, जो हमारी स्वच्छता कर्मी है, इनकी सुरक्षा और इनके सम्मान के लिए इनको बीमा कवर भी दिया जा रहा है, उनके जो सफाई कर्मी दुर्भाग्य से दिवंगत हो जाए तो उनके परिवार को तत्काल रूप से एक सहायता राशि हम जारी करने जा रहे हैं, उनके सम्मान की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। तो मैं तत्काल इस कार्यक्रम में यहां पर आया हूं और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर नगर निगम ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, खासतौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार की रैंकिंग गोरखपुर को भारत सरकार ने प्रदान की है। आप सोचिए गोरखपुर को भी रैंकिंग प्राप्त हो गई है। गोरखपुर नगर निगम ने स्वच्छता जो सर्वेक्षण है जो पहले 74वें स्थान पर था वहां से अब ये 22वें स्थान पर आ गया है। एक धक्का और आप देंगे तो आप देखना कि गोरखपुर अगले सर्वेक्षण में टॉप 10 में आ जाएगा। टॉप 10 में हमें टॉप 10 में लेके आना है कि टॉप 3 में लेके आना है, तैयार है ना सब लोग? तो इसके लिए स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ पार्षदों को स्वच्छता मोहल्ला स्वच्छता समिति का गठन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। 500 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट का कार्य चल रहा है और अन्य भी तमाम कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन सभी पर कार्य करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा सिंगल यूज प्लास्टिक के
चला। इसके साथ साथ गोरखपुर में मैंने कहा था खाली प्लॉट और जो प्लॉट पार्क है इनमें जितना भी कचरा है सबका निस्तारण करो। काफी प्रगति हुई है और तेजी के साथ इसमें कार्य हो रहा है। हम इस दिशा में और भी कार्य करेंगे। आज गोरखपुर देश के अच्छे शहरों में गिना जा रहा है, तो खुशी आपको भी होती होगी, हमें भी होती होगी। आप भी कहीं बाहर जाते होंगे, गोरखपुर का नाम कोई भी सुनता होगा तो आपके चेहरे पर भी, उसके चेहरे पर एक खुशी होती है, आपको सम्मान देता होगा, होता है ना। तो ये इसी का परिवर्तन का परिणाम है और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। आज मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने में हम सब भी अपना योगदान देंगे। नगर निगम की इस पहल में हम सब सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर थे। इस दौरान करोड़ों की सौगात उन्होंने गोरखपुर वासियों को दी है और इस दौरान महिलाओं को उन्होंने सम्मानित भी किया था। और ये गोरखपुर कार्यक्रम की तस्वीरें जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। और ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुँचे थे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। अयोध्या में 500 वर्षों बाद रामलला विराजमान हुए। गोरखपुर नगर निगम में बहुत सुधार हुआ है और इसके साथ ही स्वच्छता कर्मियों को हर सुविधा का लाभ मिलना जरूरी है।